यूं तो वादी हंजा पूरी दुनिया में किसी तारफ के मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ की कदीम इंसानी तारीख अपनी अलग ही पहचान रखती है। और आज हम देखेंगे हुंजा में माँ कबल तारीख की एक निशानी, सैक्रेड रॉक ऑफ हुंजा, यानी हुंजा की मुकद्दस चट्टाने। करीमाबाद जो कि हुंजा वैली का कैपिटल है, यहाँ से कराकरम हाईवे यानी शहराए रेशम पर चीन को जाते हुए गणेश गांव और अताबाद झील के दरमियान ये मुकद्दस चट्टाने कई सदियों से दरियाए हुंजा के मगरब में यानी बाएं किनारे पर सड़क के बिल्कुल करीब सर उठाए खड़ी है। और यहाँ पर मौजूद थी गारें जिनको वक्त की धूल चाट गई है, और ये गुफाएं यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों की कभी पनाहगाहें हुआ करती थी, जो चीन आते हुए या जाते हुए इन्हें सराओं के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इन मुसाफिरों में ताजर और तबलीग के लिए चीन जाने वाले बदपक्षु भी हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ अपने सफर की दास्तानें, अपने मजहब और अपने शहनशाहों की तस्वीर और तहरीरें यहाँ खोद कर कुंदा की हैं। और यहाँ पर ही कुछ मकामी अफराद ने अपनी तहजीब और तमद्दन के अनमिट नकूश लिख छोड़े हैं। ये चट्टाने 30 फुट बुलंद और 200 गज लंबी हैं। ये चट्टाने तीन हिस्सों में तकसीम है। इन चट्टानों के ऊपरी हिस्सों में सोगदियान, खरोस्वती, परहमी, सरदा और परतुसारा जुबानों में खुदाई करके लिखा गया है। कुशान सल्तनत के शहनशाहों और कशका और हवशा का सल्तनों के शहनशाहों के नाम लिखे गए हैं, और उसके अलावा बरहमी जुबान में तरोका किंग और रामा सौदा बादशाह का नाम भी खुदा हुआ है। नीचे वाले हिस्से में आईबैक्स या मारखोर, जो कि पहाड़ी बकरों की एक किस्म है और आजकल पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है, की तस्वीर खोद कर बनाई गई है। इन जानवरों को मुख्तलिफ हालतों में पेश किया गया है, जैसे इनका शिकार वगैरह। इसके अलावा देवतियों को भी मारखोरों के साथ खेलते हुए दिखाया गया है, जिससे आईबैक्स बकरे की अहमियत बुद्धों और कदीम वक्त के मकामी तहजीब और तमद्दन में वाजिया होती है। इसके अलावा यहाँ चीन के बादशाहों की तस्वीरें और तिब्बत के तर्ज के स्टूपा की तस्वीरें भी खोदी गई हैं, और कहीं कहीं लंबी दुम वाले जानवर जैसे बंदर और ऊंट की शक्ल के जानवरों की शबीहें भी खोद कर बनाई गई हैं। दोस्तों, ये आसार कदीमा पाकिस्तान का सकाफती विरसा हैं, मगर ये तेजी से महदूमी का शिकार हैं, जैसे कि बुद्ध बख्शों की पनाह के लिए इस्तेमाल होने वाले गार खत्म हो गए हैं, और अब भी आपको इन चट्टानों में इंग्लिश और उर्दू के हर्फ खुदे हुए नजर आएंगे, जो कि लोगों के बनाए हुए हैं, जिनसे इन तहरीनों के खत्म हो जाने का अंदेशा है।